बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 27 का कंटेंट बुक वन की एक्सरसाइज 6.6 से 6.9 को बिलोंग करता है। इस पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक सीरीज को। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज रिकर्सिवली डिफाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ज्योमेट्रिक सीरीज का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू आर। ए एन प्लस वन का मीनिंग है ए एन प्लस वन टर्म, ए एन का मीनिंग है एंथ टर्म। तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि टू कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो किसकी इक्वल है, वो आर की इक्वल है। ये हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 3, 6, 12, 24 अप टू सो ऑन। अब इसमें कोई सी भी टू टर्म्स को डिवाइड करे, अगर आप सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं तो आंसर 2 के इक्वल आएगा। अगर आप थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करते हैं तो आंसर 2 के इक्वल आएगा। अगर आप फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करते हैं तो अगेन आंसर 2 के इक्वल आएगा। तो कोई से भी टू टर्म्स को डिवाइड करने से रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये जो फिक्स नंबर आर है इसको हम बोलते हैं कि ये इसकी कॉमन रेशियो है। ए वन इसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है और आर एक रियल नंबर है जिसकी कॉमन रेशियो है। ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती और कॉमन रेशियो की वैल्यू भी कभी जीरो नहीं हो सकती। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये है कि ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। ए वन यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें एन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर एन के लिए वन पुट करें तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट टर्म ए वन, अगर आप 2 पुट करें तो हमारे पास बनेगा ए वन आर, अगर हम 3 पुट करें तो हमारे पास बनेगा ए वन आर स्केयर अप टू सो ऑन। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई सी भी टर्म हमने फाइंड करनी हो तो ए वन को आर की पावर 1 लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टर्म की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन रेशियो -1/2। कॉमन रेशियो -1/2 है और फर्स्ट टर्म 3 है, हमने टेंथ टर्म फाइंड करना है। तो टेंथ टर्म का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ए वन आर की पावर 9, फर्स्ट टर्म 3 है तो यहाँ पर 3 पुट कर दें, आर यहाँ पर -1/2 है तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, पावर में 9 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा -3/512। कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, बीटा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 2^-n इज ज्योमेट्रिक, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड है तो हमें मालूम है कॉमन रेशियो कैसे आएगी, कोई सी भी टू कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने से आएगी। अगर आप एन के लिए 1 पुट करें तो ए वन किसकी इक्वल होगा, 2^-1। अगर आप n के लिए 2 पुट करें तो ये किसकी इक्वल होगा, 2^-2। अब आपने r फाइंड करना है, r इक्वल टू होगा a2/a1। a2 की वैल्यू 2^-2/(-1). इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/2। तो इस तरह कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/2 आ गई। कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, अल्फा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a3 = 27, a5 = 243, फाइंड a6। कोई सी भी टू टर्म्स बताकर कोई एक टर्म रिक्वायर्ड की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन में हम r की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल am/an और पावर में क्या लिखेंगे, 1/m-n, दोनों के नंबर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 243/27 और 1/ इनके नंबर का डिफरेंस क्या बन रहा है, 5-3।
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 9^1/2 इज इक्वल टू 3। अब r हमारे पास आ चुका है, अब हमने सिक्स टर्म फाइंड करनी है, तो हम ऐसा करेंगे कि फिफ्थ टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सिक्स टर्म बन जाएगी। इट विल बी 243 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 729। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हुई, बीटा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, अगर हमारे पास टू नंबर्स हों 3 और 12, हमसे कहा जाए कि इन दोनों के बिटवीन ऐसा नंबर पुट करें जो पुट करने से ये जो प्रोग्रेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने, तो ये जो दरमियान में नंबर आएगा ये नंबर क्या कहलाएगा, 3 और 12 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। जैसे इस केस में वो नंबर क्या बनेगा, दैट विल बी 6। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होगा, प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस को कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 9 एंड 16। 9 और 16 के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो बाय दिस फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 × 16 स्केयर रूट और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसिडर करना है, तो इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव 3 × 4, तो रिजल्ट किसकी कुल आ जाएगा, प्लस माइनस 12। कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, चार्ली ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब हम बात करेंगे जब टू नंबर्स के दरमियान एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स आ रही हों। सपोज कीजिए कि हमारे पास टू नंबर्स हैं 3 और 24, हमें कहा जाए कि इनके दरमियान टू ऐसे नंबर्स पुट करें जो पुट करने से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, तो ये जो दरमियान में नंबर हम पुट करेंगे ये नंबर क्या कहलाएंगी, ये नंबर ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगी। जैसा कि इस केस में वो नंबर्स क्या होंगे, 6 और 12 होंगे। अब जब हमने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी होंगी, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं, इनको एक नज़र देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है nth ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो nth ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है। नेक्स्ट है, इफ देयर आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, देन वैल्यू ऑफ mth ज्योमेट्रिक मीन। अगर टोटल n है उनमें से mth फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पर n जो है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, m जो है टोटल में से जितनी भी हमने फाइंड करनी है, और a और b गिवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स हों उनके प्रोडक्ट का nth रूट फाइंड करना हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल एक जो ज्योमेट्रिक मीन है वो फाइंड कर लेंगे, तो वो इस रिजल्ट के इक्वल है। अब हम इन फॉर्मूला को क्वेश्चंस में यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सिक्स्थ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1024। 2 और 1024 के दरमियान टोटल हमारे पास कितनी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 8 हैं, उनमें से हमने कौन सी फाइंड करनी है, सिक्स्थ फाइंड करनी है। यहाँ पर a हमारे पास 2 है और जो b की वैल्यू है इट इज 1024। हमने अभी अभी mth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, a इंटू बी ओवर ए की पावर m ओवर n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b 1024 डिवाइडेड बाय 2 है, m है जितनी भी हमने फाइंड करनी है वो 6 है, n है जितनी टोटल है, टोटल 8 है, तो n की जगह पर 8 पुट होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1024 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 5 1 2 रेज टू पावर 6 ओवर 9। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 128। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हुई, बीटा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता कि प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1024। तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने का जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था आप उसको यूज करते, G1, G2 से लेकर GN तक किसके इक्वल है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकाल के इसकी पावर n कर दें। तो दोनों नंबर हैं 2 × 1024 स्केयर रूट। अगर हमने 8 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकालना है तो इसकी पावर 8 करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। इस बात का मतलब ये है कि जब हमने
एट ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमें वो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस एक्सप्रेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पर ए और बी क्या हैं, दोनों नॉन जीरो हैं साइमल्टेनियसली। तो आपने एन की वैल्यू बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमने सीखा था कि आप इसको बैक सॉल्व के मेथड से करेंगे। आप ऑप्शंस में से जो वैल्यूज़ हैं वो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू पुट करने से ज्योमेट्रिक मीन बनती है। तो आप देखें, जब हम डेल्टा ऑप्शन में से एन की वैल्यू -1/2 गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ए रेज टू पावर -1/2 +1 प्लस बी रेज टू पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर -1/2 प्लस बी रेज टू पावर -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वेयर रूट, यहाँ पे भी बनेगा बी स्क्वेयर रूट, नीचे बनेगा 1/a² प्लस 1/b². इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a² b² और ये किसकी इक्वल आ गया है, ये ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल आ गया है। यानी कि -1/2 पुट करने से रिजल्ट ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल आया है, इसलिए कौन सी ऑप्शन ट्रू है, डेल्टा ऑप्शन इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना हो तो इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, R कॉमन रेशियो को, N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को जिनका हमने सम फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि R1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जब 1 के इक्वल होगा तो देन हमारे पास डिफरेंट टेक्निक है। अब ये नोट देखिए, इस फॉर्मूले को आप कब यूज करेंगे, जब कॉमन रेशो का मॉड 1 से लेस हो। और इस फॉर्मूले को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, अगर A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है, A1 - ANR / 1 - R। और अगर कॉमन रेशो का मॉड 1 से ग्रेटर हो देन हम फॉर्मूले को इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि RN पहले आ जाता है और नीचे भी R पहले और 1 बाद में आ जाता है। एक्चुअली फॉर्मूला नंबर 1 और 2 दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि R का मॉड 1 से लेस हो तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है और R का मॉड 1 से ग्रेटर हो तो नीचे वाला फार्मूला यूज़ करना है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, अगर R की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो देन ज्योमेट्रिक सीरीज क्या बन जाती है, फर्स्ट टर्म भी A1, सेकंड टर्म भी A1, nth टर्म भी A1। ये देखिए A1 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका सम क्या बन जाएगा, n टाइम्स A1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 feet, इट ऑन ईच रीबाउंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 3/4 ऑफ द डिस्टेंस विच इट फेल, हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड When it hits the ground third time, एक बॉल है उसको हमें ड्रॉप किया है कितनी हाइट से, 12 feet की हाइट से, ये इसका हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप, और वो रीबाउंड होगा, बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस स्ट्राइक करेगा, ये हो जाएगा सेकेंड स्ट्राइक, अगेन बॉल रीबाउंड होगा, ऊपर जाएगा और वापस आके स्ट्राइक करेगा, यह है थर्ड स्ट्राइक। थर्ड स्ट्राइक तक बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब जो फर्स्ट डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो 12 की इक्वल है, और ये जो फर्स्ट अपवर्ड डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, 12 को 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट अपवर्ड डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आएगा, 12 को 3/4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जितना बॉल डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है, इसलिए इस टर्म का और नेक्स्ट वाली टर्म का दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, 2 times करना पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 43.5। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी, डेल्टा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब हम आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब R की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो सम ऑफ n टाइम्स A1 होगा। जब आप इस केस में इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना चाहेंगे
यानी कि एन की जगह पे जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो इस केस में इसका सम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास ऑसिलेटिंग सीरीज हो यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू नेगेटिव वन के इक्वल हो तो देन सम ऑफ एन टर्म जीरो के इक्वल होगा अगर एन इवन है और सम ऑफ एन टर्म फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा अगर एन ऑड है। नंबर थ्री पे जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स किसके इक्वल होगा ए वन ओवर वन माइनस आर। और ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है जब कॉमन रेशियो का मॉड वन से लेस है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं अब उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज, आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का ये इज इक्वल टू है ए वन ओवर वन माइनस आर। हमने ये भी साथ इसके पढ़ा है कि ये फार्मूला तब अप्लाई हो सकता है जब कॉमन रेशियो का मॉड वन से लेस हो, यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब कॉमन रेशियो का मॉड वन से लेस है। तो आप इसी कॉमन रेशियो निकालें वो 2x है, इसका मॉड लेस देन वन रखें तो यहाँ से बन जाएगा x मॉड इज लेस देन वन बाय टू, यानी कि x ग्रेटर देन नेगेटिव वन बाय टू एंड लेस देन वन बाय टू। कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी? अल्फा ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमने इसका सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला हमारे पास है ए वन ओवर वन माइनस आर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन है, आर की वैल्यू वन बाय थ्री है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा थ्री बाय टू। तो इस तरह से इस सीरीज का सम किसके इक्वल आ जाएगा? थ्री बाय टू के इक्वल। कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी? चार्ली ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2.34 टू अ कॉमन फ्रैक्शन। 2.34 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मीनिंग है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल है। एक्चुअली ये इस तरह से है 2.343434 अप टू सो ऑन। इसका सम निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या है कि जो नॉन रिक्यूरिंग पार्ट है आप उसको अलग कर लेते हैं और जो रिक्यूरिंग पार्ट है आप उसको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? पहले आप 0.34 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाकर, यहाँ पर पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं तो आप टू टाइम्स जीरो लगाकर अगेन 34 लिख देंगे। अगेन यही प्रोसेस होगा, पॉइंट के बाद फोर डिजिट्स हैं, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद फोर जीरो लगा के अगेन 34 लिख देंगे प्लस अप टू सो ऑन। अब ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगाएं ए वन ओवर वन माइनस आर का। यहाँ पर जो ए वन है 0.34 है और आर जो है वो 0.01 के इक्वल आएगा। वैल्यूज को पुट करें 0.34 ओवर 1 माइनस 0.01, इसको सिंप्लीफाई करें 2 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 99। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 232 डिवाइडेड बाय 99। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगी? चार्ली ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। इस तरह के जो रिकरिंग डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं उसका हमारे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी होता है। वो मेथड ये है कि आप देखें, आप यहाँ पे डेसिमल को हटा दें, 234 लिखें, जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है 2 उसको इसमें से माइनस कर दें, इट विल बी 232। इसके बाद ये 232 को उतने 9 से डिवाइड कर दें जितने डिजिट इसके रिपीटिंग पार्ट में हैं। 3 और 4 टू डिजिट्स हैं तो 99 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह शॉर्टकट मेथड से आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की मजीद प्रैक्टिस के लिए अपने प्रैक्टिस बुक को यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।